अभी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है ब्लड फ्लो करने का, ब्लड एक लैमिनार फ्लो में ब्लड लैमिनार फ्लो फॉलो करता है। आर्टरीज के अंदर जब ब्लड फ्लो करेगा वो लैमिनार फ्लो में करेगा, लैमिनार फ्लो में एक सिमिलर एक डायरेक्शन में जाएगा दिस वन। लेकिन तब आर्थरोस्क्लेरोसिस आ जाता है तो ब्लड फ्लो डिस्टर्बेंस हो जाता है। सपोज दिस इज आर्थरोस्क्लेरोसिस, डिजीज डेवलप हो गई। अभी क्या होगा कि ये ब्लड के अंदर डिसअरेंजमेंट कर रहा है, फ्लो ऑफ ब्लड अब इरेगुलर हो रहा है। क्या हो रहा है? इरेगुलर टर्बुलेंस ब्लड फ्लो दिखेगा, टर्बुलेंस ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो में टर्बुलेंसीज आएंगे। दिस इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कि ल्यूमन के अंदर क्या हो रहा है। सेकेंड वन, तब ये अगर ये डी अटैच होके, ये आर्थरोस्क्लेरोसिस डी अटैच होके और ब्लड के अंदर सर्कुलेट अगर कर जाता है तो ये एम्बोलिज्म फॉर्म कर लेता है। और जैसे ही ये स्मॉल आर्टरीज के पास जाएगा तो वहाँ पे कम्प्लीटली इंफार्क्ट कर देगा और ऑर्गन का डैमेज हो जाएगा, ऑर्गन या फिर जिस भी पार्ट पे जा रहे हैं वहाँ पे डैमेज हो जाएगा। दिस इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। नॉर्मल फ्लो का ब्लड लेमिनार रहता है, लेकिन तब आर्थरोस्क्लेरोटिक या कोई थ्रोम्बस आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब कर जाता है, इरेगुलर ब्लड फ्लो होने लगता है। दिस वन अभी कोज क्या क्या है, अभी हम लोगों ने जान लिया कि आर्थरोस्क्लेरोसिस होता क्या है। आर्थरोस्क्लेरोसिस मोस्टली जो स्मॉल आर्टरीज हैं, लार्ज आर्टरीज हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। एक आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग वहाँ पे फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लैमिनार फ्लो है ब्लड वो चीज़ चेंज हो जाती है और वो टर्बुलेंसी क्रिएट करता है ब्लड वेसल्स में। थर्ड वन थिंग, ये लेयर्स को इन्वॉल्व करता है। जो टूनिका इंटीमिया आउटर लेयर है, फर्स्ट एंडोथेलियम डीजनरेट करेगा और उसके बाद ये चीज़ें शुरू होंगी या डिसफंक्शन हो सकता है एंडोथेलियल लेयर का। दिस वन थिंग्स। अभी कॉजेज क्या क्या है, आर्थरोस्क्लेरोसिस बॉडी में होता क्या क्या है। फर्स्ट इज लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इसके वजह से आर्थरोस्क्लेरोसिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ओबेसिटी, अगर कोई ओबीस पर्सन है, फैट टिश्यू उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई रहता है, फैट हाई है तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होगा। कोलेस्ट्रॉल अगर हाई होगा तो ये इसके अंदर LDL जो कोलेस्ट्रॉल है ये हाई मिलेगा, लेकिन जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ये डिक्रीज मिलेगा। फर्स्ट सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो खाते पीते हैं वो फैटी टिश्यू में कन्वर्ट होता जाता है। सेकेंड वन इज ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या हो रहा है कि हम लोगों का फैट इंक्रीज हो रहा है, साथ के साथ ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा रहा है। अभी हम लोगों के दो तीन कोलेस्ट्रॉल लेवल होते हैं। फर्स्ट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड ट्राइग्लिसराइड्स। अब जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है इसका अमाउंट इंक्रीज अगर हो रखा है तो ये क्या करेगा, आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग फॉर्म करेगा। अगर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का अमाउंट कम हो रहा है बॉडी में तो भी आर्थरोस्क्लेरोटिक होने के ज्यादा चांसेस हैं। ट्राइग्लिसराइड्स अगर ये इंक्रीज है बॉडी में तो इसकी वजह से भी आर्थरोस्क्लेरोटिक होने के चांसेस हैं। अल्कोहलिज्म, अगर कोई बंदा सीवियर अल्कोहलिक है तो ये चीजें एग्रीवेट करता है टू फॉर्म आर्थरोस्क्लेरोसिस या आर्टरीज की डिजीज हो जाती है। थर्ड वन इज स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या करता है, प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स को रिलीज करता है जिससे बहुत सारे प्लेटलेट्स, इसका इफेक्ट किस पे आएगा, प्लेटलेट पे। तो ये एग्रीगेटिंग फैक्टर्स को रिलीज करेगा जिससे बहुत सारे प्लेटलेट आपके वेसल्स में इकट्ठे हो जाएंगे। अगर बहुत सारे प्लेटलेट्स वेसल्स में इकट्ठे होंगे तो क्या क्रिएट करेंगे, आर्थरोस्क्लेरोसिस। सेकेंड वन इज मोनोसाइट। मोनोसाइट को एक्टिवेट करने का काम करेगा। अगर मोनोसाइट एक्टिवेट होगा तो वो किसमें डेवलप हो जाएगा, मैक्रोफेजेस में। मैक्रोफेजेस यहाँ इकट्ठे होंगे फिर से क्या होगा, आर्थरोस्क्लेरोसिस फॉर्म होगा। थर्ड वन इज स्मोकिंग से और क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन। अभी ब्लड में क्या होना चाहिए, ऑक्सीहीमोग्लोबिन होना चाहिए, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। बट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा ब्लड के अंदर तो अभी क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन अब ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा होंगे जो कि फिर क्या करेंगे, डिसरप्शन करेंगे
या डिसऑर्गेनाइजेशन करेंगे चीजों का। अभी फर्स्ट थिंग हमने लाइफस्टाइल की बात की, आर्थरोस्क्लेरोटिक बनता क्यों क्यों है, एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, सेकेंड वन ओबेसिटी की वजह से, अगर फैट बहुत ज्यादा है और इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऑल्टर कर जाता है, लाइक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कम हो जाता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है। थर्ड वन इज अल्कोहलिज्म। अगर कोई सीवियर अल्कोहलिक पर्सन है उसके अंदर ये आर्थरोस्क्लेरोटिक होने के ज्यादा चांसेस होंगे। स्मोकिंग अगर कोई करता है इसके अंदर। अभी हम लोग अगर फीमेल्स की बात करते हैं, फीमेल्स में बहुत रेयरली होता है, अगर होता है तो वो क्यों होता है, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से। ईस्ट्रोजन का अगर अमाउंट कम है तो इस करके भी आर्थरोस्क्लेरोटिक हो सकता है, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अगर फीमेल ले रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अगर ये चीजें दो चीजें हो रही हैं तो फीमेल्स में होने के चांसेस है। अदरवाइज 55 अबव अगर एज है, अंडर 55 फीमेल्स बहुत लेस अफेक्टेड रहते हैं, बहुत लेस अफेक्टेड। अगर वो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रेगुलरली ले रही हैं तो होगा, या ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो होगा फीमेल्स में। अदरवाइज 55 के बाद इंसिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं, 55 के अंडर एज में कोई इंसिडेंस नहीं होगा। मेल्स के अंदर ड्यू टू स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म ये फैक्टर क्या कर जाता है, राइज कर जाता है अल्कोहलिज्म की वजह से, और इसकी वजह से सेकेंड हो सकता है लाइफ स्टाइल की वजह से इंक्रीज कर जाए, दिस वन थिंग। और फिर होता है फूड हैबिट्स, अगर हेल्दी डाइट हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये इंक्रीज हो सकता है, फैटी फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो ये चीज, अगर हम कैलोरी इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आउटपुट हम लोगों का उतना नहीं है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो ये चीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, दिस वन आर द कॉजेस फैक्टर। या स्ट्रेस कोई सबसे ज़्यादा ले रहा है, स्ट्रेस में भी ये सबसे ज़्यादा ये फॉर्मेशन होने का चांसेस है। स्ट्रेस में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, लाइक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे एंड एड्रेनालिन रिलीज होगा, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी इनिशिएट और ज्यादा हो जाएगी। और क्या क्या फैक्टर्स आर्थरोस्क्लेरोसिस जिससे हो सकता है, लाइफस्टाइल, हैबिचुअल लाइक ओवर ईटिंग करने की वजह से, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अभी डिजीज कुछ है उसके साथ भी आर्थरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस, अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस है उसमें चांसेस ज्यादा रहेंगे कि प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड वन इज आर्टराइटस, आर्टरीज की अगर इंफ्लामेशन है तो होने के चांसेस इसके ज्यादा रहते हैं। सेकेंड वन इज डिसलिपिडीमिया है, विच इज हाई लो HDL एंड हाई LDL एंड हाई अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड, तो ये होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट रहता है, हाइपरटेंसिव हर टाइम, मतलब BP जो है अबव उसका 140 अबव रहता है, तो ये भी चांसेस हैं, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटस की वजह से हो सकता है, आर्थराइटिस की वजह से, डिसलिपिडीमिया की वजह से, फिर हाइपरटेंसिव की वजह से। तब हम लोग इसको लेबोरेटरी फाइंडिंग्स करते हैं इसके लिए, तो हम लोग कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल चेक करते हैं, उसके अंदर हम लोगों को ये तीन फैक्टर्स दिखाई देंगे, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन डिक्रीज मिलेगा, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इंक्रीज मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड इसमें इंक्रीज मिलेगा ये हो सकता है, और सी रिएक्टिव प्रोटीन ब्लड में दिखाई देगा, ये चीज दिखाई दे सकती है। दीज आर द सिम्टम्स जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, ये सॉरी दीज आर द कॉजेस जिसकी वजह से आर्थरोस्क्लेरोसिस इनिशिएट हो रहा है, या फिर कोई ट्रोमा की वजह से भी आर्थरोस्क्लेरोसिस शुरू हो सकता है, रिपीटेड ट्रोमा हो रहा है टू वेसल्स, बार बार रिपीटेड ट्रोमा हो रहा है, इसकी वजह से भी ये चीजें हो सकती हैं। अभी आर्थरोस्क्लेरोसिस की हमने बात कर लिया, होता क्या है, आर्टरीज को इन्वॉल्व करता है, स्मॉल और लार्ज आर्टरीज को इन्वॉल्व करता है, इसके फाइब्रोफैटिक प्लैक इसमें डिपॉजिट हो जाता है, ये ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है, नॉर्मल लेमिनार ब्लड फ्लो होता है लेकिन ये क्या कर देता है, टर्बुलेंसी क्रिएट कर देता है। कॉजेज हमने पढ़ा, अल्कोहल स्मोकिंग एग्रीवेटिंग फैक्टर है, हाई इनटेक ऑफ फूड एंड लो कैलोरी कंजप्शन इसकी वजह से हो सकता है। थर्ड वन इज अगर इस फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन का डेफिशिएंसी है, साथ के साथ उसके अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी वो रहती है
तो उसके अंदर ज्यादा चांसेस है। अदरवाइज फीमेल में 55 अबव एज ही होता है। मेल्स में स्मोकिंग एंड डिजन फैक्टर, हेरिडिटरी हो सकता है फैमिली टू, अगर बेबी हो रहा है उसके अंदर जाने के चांसेस है डिसलिपिडेमिया की वजह से, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल एबनॉर्मल रहता है तो ये चीजें हो सकती हैं। अभी आर्थरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है, सपोज दिस इज द, हम लोग ये बात करते हैं दिस इज ल्यूमन। अभी आर्टरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, आर्टरी चेंजेस, आर्टरी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, आर्थरोस्क्लेरोसिस कैसे बनेगा। सपोज दिस इज आर्टरी एंड दिस इज इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर एंडोथेलियम, एंडोथेलियम देन द दिस वन टूनिका इंटीमिया, टूनिका इंटीमिया दिस इज इलास्टिक लेमिना, दिस इज इंटरनल इलास्टिक लेमिना, दो ही लेमिना है इसलिए स्पेसिफाई करो इंटरनल इलास्टिक लेमिना। देन हम लोगों की स्मूथ मसल सेल्स आती हैं, दीज आर स्मूथ मसल सेल्स, दीज आर स्मूथ मसल सेल्स। देन इसके बाद दिस इज लेयर टूनिका, टूनिका मीडियम, देन यहाँ पे एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, देन द आउटर कवरिंग इज एडवेंटिशियम, एडवेंटिशियम। अभी जितने भी चेंजेज आएंगे, जो भी हम लोग एक आर्टरी की बात कर रहे हैं, ये आर्टरी की सारी लेयर्स हैं। दिस इज सबसे अंदर वाली लेयर इनर मोस्ट लेयर, दिस इज एंडोथेलियम, देन इंटरनल इलास्टिक लेमिना, देन द टूनिका इंटीमिया, देन स्मूथ मसल सेल्स, देन टूनिका मीडिया, देन द एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना एंड एडवेंटिशिया लेयर। जितने भी चेंजेज आएंगे एंडोथेलियम लेयर में आएंगे, टूनिका इंटीमिया में आएंगे, इंटरनल इलास्टिक लेमिना में, स्मूथ मसल्स में आएंगे, ये जो फैक्टर्स हैं इसके अंदर चेंजेस दिखाई देंगे। अभी ये चेंजेस होंगे कैसे स्टार्ट, ये हम लोगों का नॉर्मल आर्टरी है, नॉर्मल आर्टरी। अभी हम लोग बात करेंगे डिसफंक्शन, अभी आर्थरोस्क्लेरोसिस कैसे फॉर्म होगा, आर्थरोस्क्लेरोसिस एक नॉर्मल आर्टरी में कैसे फॉर्मेशन होगा, दिस वन थिंग। फर्स्ट या तो हाइपरटेंशन की वजह से, बार बार रिपीटेड ट्रोमा हो रहा है उसकी वजह से शुरू हो सकता है। फर्स्ट इज हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से क्या होगा कि बहुत ज्यादा हाई फ्लो ऑफ फोर्स से, हाई फ्लो फोर्स से, हाई फोर्स से ब्लड आ रहा है और वो क्या कर रहा है, इसी जो आर्टरी की अंदर वाली लेयर है एंडोथेलियम को, एंडोथेलियम को रप्चर कर रहा है, रप्चर। और ऐसा नहीं है कि मतलब दो दिन मेरे को हाइपरटेंशन रहा तो मेरे को आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, नो। अगर हाइपरटेंशन हम लोगों का क्रोनिक है, लंबे टाइम से चला आ रहा है, तो ये सारी चीजें आएंगी। हाइपरटेंसिव भी क्रोनिक है और बहुत ज्यादा सीवियर हाइपरटेंशन है, तो ये जो वेसल्स हैं इनके ऊपर ये क्या क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। जो हाइपरटेंसिव फ्लो ब्लड है इट विल क्रिएट प्रेशर ऑन द आर्टरीज, आर्टरीज पे प्रेशर क्रिएट करेगा तो क्या होगा, जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोथेलियम है उसके ऊपर बार बार प्रेशर आ रहा है तो उसका रप्चर हो जाएगा। फिर क्या होंगे, हम लोगों के इनिशिएट होंगे एक्टिविटीज लाइक प्लेटलेट डिपॉजिट होंगे, मोनोसाइट्स अट्रैक्ट करेंगे या एलडीएल कॉन्टैक्ट में आएगा, फिर आर्थरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट जो है एंडोथेलियम फर्स्ट फैक्टर रहेगा जिसकी वजह से ये चीजें रप्चर हो रही हैं। अभी स्टार्ट करते हैं एंडोथेलियम, हमने बात किया कि फर्स्ट फैक्टर क्या है एंडोथेलियम, एंडोथेलियम का या तो रप्चर है इसकी वजह से शुरू हो रही है, या कोई टीयर है, या कोई एब्रेजन है, या कोई अल्सरेशन है। जो हम लोगों की एंडोथेलियम लेयर है या तो उसके अंदर लाइक दैट ये अब्रप्शन रप्चर हो गई है ये, या छोटे छोटे लाइक 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 दैट दैट वन टीयर हो गया है, या यहाँ पे छोटे छोटे अल्सरेशन हो गया है, और जो फ्लो ब्लड आ रहा है इसकी वजह से ये एक्टिविटी क्या होती है, दीज वन थिंग्स इनिशिएट
एक्टिविटी ऑफ आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, इनकी वजह से आर्थ्रोस्क्लेरोसिस शुरू होता है। फर्स्ट इज एंडोथेलियम का क्या होना चाहिए, डिसफंक्शन, या तो डिसफंक्शन है, डिसफंक्शन एंडोथेलियम है, या सेकेंड वन फैक्टर इज रप्चर है, रप्चर है, टियर है एंडोथेलियम का, या ये फैक्टर एंडोथेलियम, या तो डिसफंक्शन हुआ है एंडोथेलियम का, या रप्चर या टियर हुआ है, तो इनिशिएट होगा हम लोगों का आर्थ्रोस्क्लेरोटिक एक्टिविटी। अब इसके अंदर परसेड क्या क्या करेंगे चीजें वो देखेंगे। लाइक हम लोग एक आर्टरी को लेके चलते हैं, आर्टरी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे कैसे चीजें होंगी वो देखेंगे। सपोज अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देखेंगे आर्टरीज में। ये हम लोगों की इनर मोस्ट लेयर है, दिस इज एंडोथेलियम, एंडोथेलियम जैसे ही थोड़ा बहुत भी रप्चर करेगी, रप्चर करी है तो ये अट्रैक्ट करी है किसको, प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करेंगे यहाँ पे अट्रैक्ट कर जाएंगे, और जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे। अभी क्या हुआ एंडोथेलिया में, फर्स्ट चीज टीयर है, रप्चर है, या एब्रेजन है, या फिर कोई फिजरिंग है सपोज, तो ये सेकेंड प्रोसेस क्या करेगा, इनिशिएट एक्टिविटी ऑफ प्लेटलेट्स, एक्टिविटी ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आके अट्रैक्ट करेंगे। अभी सेकेंड प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्लेटलेट बाइंड विथ, बाइंड कर रहे हैं किसके साथ, जो ये नॉर्मल एंडोथेलियम लेयर है, एंडोथेलियम लेयर है। तो यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस में वो क्या है, फर्स्ट इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकलेगा, प्लेटलेट एडहेशन, प्लेटलेट एडहेशन हो जाएगा। अभी जो ये प्लेटलेट आके यहाँ पे डिपॉजिट हो गई है, तो ये एक फैक्टर रिलीज करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेटिंग रिलीज फैक्टर। अभी क्या करेंगे, और प्लेटलेट्स यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। अभी जो ये प्लेटलेट एडहेशन रिएक्शन है, ये क्या करेगी, फैक्टर्स रिलीज करेगी कि और भी प्लेटलेट्स यहाँ पे आके अट्रैक्ट होंगे, तो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, और जब प्लेटलेट 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 के साथ बाइंड करेंगे, अगर प्लेटलेट प्लेटलेट के साथ बाइंड कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर, एग्रीगेटिंग फैक्टर, ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट्स आके इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो इंटरनल इलास्टिक लैमिना है ये रप्चर कर जाएगा। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, इंटरनल इलास्टिक लैमिना जो है वो रप्चर करेगा। दिस वन फर्स्ट थिंग इज प्लेटलेट, प्लेटलेट्स आके बहुत सारे एग्रीगेट कर रहे हैं, अगर वो एंडोथेलियम के साथ डिपॉजिट हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे प्लेटलेट एडहेशन। अगर प्लेटलेट प्लेटलेट के साथ आके बाइंड करे, वो जो फर्स्ट प्लेटलेट्स आए वो एंडोथेलियम के साथ बाइंड कर गए, दिस इज प्लेटलेट एडहेशन। अगर और जो फर्दर और प्लेटलेट्स आएंगे वो प्लेटलेट्स के साथ आके अटैच हो जाएंगे, एंड दिस विल क्रिएट प्लेटल एडहेशन। सेकेंड वन थिंग, फर्स्ट प्रोसेस हमने बात किया प्लेटलेट की वजह से हो रहा है, सेकेंड वन इज दिस इज अवर आर्टरी। अगर एंडोथेलियम में रप्चर हो जाता है, दिस इज रप्चर, रप्चर हो रहा है, तो यहाँ पे जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज, जैसे ही ये इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अभी यहाँ पे ब्लड में क्या घूम रहा है, एलडीएल भी घूम रहा है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी है, मोनोसाइट भी है। अभी ये क्या करेगा, जैसे ये ऑक्सीडाइज एलडीएल हो जाएगा तो ये एक्टिवेशन करेगा, एक्टिवेट करेगा, प्रोलीफेरेशन का काम करेगा, प्रोलीफेरेशन का काम करेगा, एंड इमोबिलाइज कर देगा, इमोबिलाइज। अब इसका इफेक्ट किस पे आएगा, सपोज जैसे एलडीएल ब्लड में ल्यूमन में सर्कुलेट कर रहा है, कोई एंडोथेलियम रप्चर हुआ तो एलडीएल अट्रैक्ट कर जाएगा टू रप्चर साइट, रप्चर साइट पे जैसे ही ये अट्रैक्ट होगा तो ये ऑक्सीडाइज एलडीएल कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही ये ब्लड लेयर्स के कॉन्टेक्ट में आया देन इट बिकम ऑक्सीडाइज एलडीएल। अब जो ये ऑक्सीडाइज एलडीएल है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा, ये बहुत सारी सेल्स को प्रोलीफेरेट कराएगा और इमोबिलाइज कराएगा, ये किसको कराएगा, मोनोसाइट सेल्स के ऊपर,
मोनोसाइट्स के ऊपर। अब जो ये मोनोसाइट है इसके ऊपर ये क्या काम करने का काम करेगा, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन फर्स्ट इसने क्या किया, जो ये एलडीएल है जैसे ही ये रप्चर साइट पे है ऑक्सीडाइज हुआ, इसने मोनोसाइट को अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट कर रहा है, ये एक्टिवेट कर रहा है, प्रोलिफेरेशन करेगा, बहुत सारे मोनोसाइट्स को फिर से अट्रैक्ट करेगा, इमोबिलाइज करेगा, फिर उसको जो एंडोथेलियम से है इमाइग्रेट कराएगा। कहाँ पे, जो हम लोगों की ये अंदर वाली लेयर थी, लाइक हम लोगों का इंटरनल इलास्टिक लैमिना था, यहाँ पे कराएगा, या फिर हम लोगों की जो ये ट्यूनिका इंटीमिया है इसके ऊपर कराएगा। तो अभी क्या होगा कि फर्दर क्या होगा कि जैसे ही ये अंदर आ रहा है मोनोसाइट, तो ये मोनोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फोम सेल्स में। फोम सेल्स में, अभी ये नॉर्मल सेल थी, अभी ये किस में कन्वर्ट हो गई, फोम सेल्स में। सिंपल, फर्स्ट हमने प्लेटलेट की बात की कि जैसे एंडोथेलियम रप्चर हो रही है, बहुत सारे प्लेटलेट्स आके इकट्ठा हो रहे हैं, ब्लड में क्या क्या होगा, बहुत सारे प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। अगर प्लेटलेट एंडोथेलियम के साथ बाइंड कर रहा है देन इट इज कॉल्ड प्लेटलेट एडहेशन, अगर प्लेटलेट के साथ फर्दर जो प्लेटलेट्स आएंगे वो प्लेटलेट के साथ बाइंड करेंगे देन इट इज कॉल्ड प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स। सेकेंड वन थिंग, अभी ब्लड के अंदर एलडीएल भी है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जैसे ही रप्चर साइट के पास में आएगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, साथ के साथ वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज एलडीएल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही वो इसके कॉन्टेक्ट में आएगा रप्चर साइट में, फिर वो क्या करेगा, जितनी भी मोनोसाइट्स हैं उनकी प्रोलीफेरेशन कराएगा, बहुत सारी ग्रोथ कराएगा, साथ के साथ उनको इमोबिलाइज करेगा, और जो ये ल्यूमन के अंदर मोनोसाइट थे उसको इमिग्रेट करा देगा। कहाँ पे, जो फर्दर लेयर्स हैं, फर्दर लेयर्स हैं आर्टरीज की उसके अंदर, और जो मोनोसाइट है तब ये लेयर के अंदर जाएगा तो वो फोम सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी थर्ड वन चीज इसी में क्या होगा कि जो स्मूथ मसल सेल्स हैं, जो हम लोगों के अंदर स्मूथ मसल सेल्स थी वो प्रोलीफेरेट कर जाएंगे। स्मूथ मसल सेल्स प्रोलीफेरेट, स्मूथ मसल सेल्स प्रोलीफेरेट, बहुत सारी सेल्स इंक्रीज कर जाएंगी। तो ये सारी चीजें होंगी, जनरल ओवरव्यू लेते हैं इसका, जनरली क्या क्या होगा। फर्स्ट थिंग, सपोज दिस इज एंडोथेलियम, एंडोथेलियम जैसे ही इसका डिसफंक्शन हुआ, यहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठा हो गए जो इसके साथ बाइंड करेंगे एंडोथेलियम के साथ, दिस प्लेटलेट एडहेशन, इसमें प्लेटलेट एडहेशन होगा, प्लेटलेट एडहेशन। सेकेंड वन थी प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन। सेकेंड वर्स्ट थिंग, इसके अंदर एल डी एल भी है ब्लड में, मोनोसाइट्स भी हैं। अभी इन पे क्या होगा, जैसे सेकेंड वन थिंग हम लोगों का एल डी एल आएगा, जैसे ही वो एंडोथेलियम रप्चर के कॉन्टेक्ट में आया, एंडोथेलियम डिसफंक्शन रप्चर या डिसफंक्शन की बात कर लेते हैं या रप्चर की बात कर लेते हैं, तो ये ऑक्सीडाइज एल डी एल में कन्वर्ट हो गया। अभी ऑक्सीडाइज एल डी एल क्या करेगा, मोनोसाइट्स को अट्रैक्ट करेगा, मोनोसाइट्स को अट्रैक्ट कराएगा, और इन मोनोसाइट्स को अट्रैक्ट करके इमोबिलाइज कर देगा, इमोबिलाइज साथ के साथ इसको क्या कराएगा, इसको कन्वर्ट करेगा, इमिग्रेशन करा देगा। इसका इमिग्रेशन कहाँ हुआ, जो ये हम लोगों की मोनोसाइट्स थी अंदर आके, जो इंटरनल इलास्टिक लैमिना रैप्चर कर गया है और इंटोनिका इंटीमिया है, यहाँ पे इसके अंदर से भी इसको फोम सेल्स में कन्वर्ट कर देगा। अभी जो ये मोनोसाइट्स थी, जो ये मोनोसाइट है किसमें कन्वर्ट हो गई, फोम सेल्स में कन्वर्ट हो गई। अभी थर्ड वन स्टेज क्या होगी, एलडीएल और मोनोसाइट का देख लिया, थर्ड वन थीज इज स्मूथ मसल सेल्स प्रोलीफेरेट करने लगेंगे, स्मूथ मसल सेल्स प्रोलीफेरेट करेंगे। फर्स्ट एंडोथेलियम रप्चर, फिर जो हम लोगों का इंटरनल इलास्टिक लैमिना है वो रप्चर कर गया है, देन फोम सेल्स जो है बहुत सारी रिजनरेट कर जाएगी, साथ ही साथ स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, मसल सेल्स क्या करेंगे, रिजनरेट करेंगे। फिर देन हम लोगों की आते हैं ट्यूनिका मीडिया। अभी बहुत सारे यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स हो गई हैं, मैक्रोफेजेस एक्टिव हो गई हैं, दीज आर मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस एक्टिव हो गई हैं, फोम सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, दिस इज एडवेंटिशिया। अभी ये जो फ्लैग है ये ऐसे इकट्ठा हो जाता है, दिस वन फ्लैग, ये पूरा का पूरा ऐसे फ्लैग इकट्ठा हो जाएगा और ल्यूमन को नैरो करेगा। दीज आर द चेंजेस जो कि आर्थरोस्क्लेरोसिस में होंगे, फर्स्ट प्रोसेस इज
एंडोथेलियम इंजरी, देन प्लेटलेट एडेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन, जैसे ही एलडीएल जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं कॉन्टेक्ट में एंडोथेलियल इंजरी में ऑक्सीडाइज एलडीएल, देन मोनोसाइट को अट्रैक्ट करेगा, उनको इमोबिलाइज कराएगा, प्रोलीफेरेट कराएगा, फिर जो ब्लड वेसल्स के अंदर वाली लेयर है उसके अंदर इमिग्रेट करके उसको फोम सेल में कन्वर्ट कर देगा, दीज आर द चेंजेस। देन लास्ट में क्या रहेगा, जनरल ओवरव्यू देखते हैं। सपोज दिस इज एंडोथेलियम इनरमोस्ट लेयर, दिस इज एंडोथेलियम, देन देयर इज इंटरनल इलास्टिक लैमिना, इंटरनल इलास्टिक लैमिना, देन देयर इज टूनिका इंटीमिया, टूनिका इंटीमिया। अभी क्या हो रहा है कि जैसे ये रप्चर हुआ इसका कोई भी डिसफंक्शन हुआ लाइक दैट, यहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट्स आके इकट्ठे हो गए, अभी जो एलडीएल था वो यहाँ पे चला गया और उसने क्या किया जो मोनोसाइट्स हैं उनकी ग्रोथ कराई, बहुत सारे फोम सेल्स आके यहाँ पे इकट्ठे हो गए, यहाँ पे फोम सेल्स इकट्ठे हो गए, साथ में मैक्रोफेजेस आ गया लाइक दैट, यहाँ पे मैक्रोफेजेस बिल्ड करने लगे, मैक्रोफेजेस इकट्ठा हो गया, मोनोसाइट्स जो हैं फोम सेल्स में कन्वर्ट हुई, मैक्रोफेजेस आया, स्मूथ मसल सेल्स प्रोलीफेरेट करने लगे, स्मूथ मसल सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे। तो ये चीज़ अभी ये जो है ल्यूमन, ये हम लोगों का आर्टरी का ल्यूमन है, अब ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिपॉजिट हो रही हैं, बॉडी का कंपनसेटरी प्रोसेस भी रहता है, बॉडी उसको कंपनसेट ठीक करने के लिए भी ट्राई करता है, उसमें क्या होगा कि इसके अंदर कैल्सिफिकेशन इन सब चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या करेगा, जितना भी एक्स्ट्रा टिश्यू बना है इसका नेक्रोसिस करने की सोचेगा, नेक्रोसिस, ताकि जो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो रही है इसको हम लोग स्टॉप कर पाए, तो इसके लिए नेक्रोसिस होगा, जो ये नेक्रोसिस में फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे इसका नेक्रोसिस होगा कैल्सिफिकेशन, दैट इज कैल्सिफाइड हो जाएगा, हाईली कैल्सिफाइड, देन ये डायबिटीज बन जाएगा, एंड इट विल जब हम ब्लड वेसल में दिखाई देगा ये ऐसे ल्यूमन को, अभी जैसे ब्लड फ्लो कर रहा था नॉर्मल, अभी क्या होगा उसको स्पेस कम मिल रहा है, दिस इज द आर्थरोस्क्लेरोसिस, दिस इज आर्थरोस्क्लेरोसिस। अभी ये अगर कैसे कैसे किस किस को इन्वॉल्व कर सकता है, कैरोटिड आर्टरीज, अगर ये कैरोटिड आर्टरीज को इन्वॉल्व कर सकता है, सेरिब्रल आर्टरीज ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकता है, देन ये हम लोगों की कैरोटिड आर्टरी हो गया, सेरिब्रल आर्टरीज हो गया, देन ये एबडोमिनल आर्टरीज को इन्वॉल्व कर सकता है, एबडोमिनल आर्टरीज को, अगर ये लोअर लिम्ब की आर्टरीज को इन्वॉल्व कर रहा है, लोअर लिम्ब को अगर ये इन्वॉल्व कर रहा है लाइक दैट, ये लोअर लिम्ब है, कहीं पे भी आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस के केस में तो यहाँ पे गैंग्रीन डेवलप करने का भी काम करेगा, देन यहाँ पे गैंग्रीन डेवलप हो रहा है, तो गैंग्रीन जो ये डेवलप हो रहा है इसकी वजह से भी आर्थरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो सकता है, या आर्थरोस्क्लेरोसिस भी गैंग्रीन कह सकता है डायबिटीज मेलिटस के केस में, ये कैरोटिड आर्टरीज को इन्वॉल्व करेगा, सेरेब्रल आर्टरीज को, एब्डोमिनल को एंड लोअर लिम्ब को, दिस इज अबाउट द आर्थरोस्क्लेरोसिस, कैसे कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसलिए अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखो, जितना ज़्यादा हो उसके एक्सरसाइज करो, ताकि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रख सको, एक्स्ट्रा फैट को आप रिड्यूस कर सको, स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी एक्टिविटीज से दूर हो, अदरवाइज आपके ब्लड के अंदर आर्थरोस्क्लेरोसिस बनने शुरू हो जाए। अभी इसकी अगर आर्थरोस्क्लेरोसिस ये बन रहा है तो ये फर्दर चल के ये थ्रोम्बस में भी कन्वर्ट हो सकता है, अगर ये डीअटैच कर जाए आर्थरोस्क्लेरोसिस, तो इससे क्या हो जाएगा, आर्थरोस्क्लेरोसिस अगर डीअटैच हो जाता है तो ये एम्बोलाई में भी कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही एम्बोलाई में कन्वर्ट हुआ, सपोज ये हम लोगों की एक लार्ज आर्टरीज है, जैसे ही ये डिस्टल जगह पे पहुंचता है स्मॉल स्मॉल आर्टरीज में पहुंचेगा, सपोज ये आर्थरोस्क्लेरोसिस से एक एम्बोलिज्म निकला और ये स्मॉल आर्टरीज में चला गया, और ल्यूमन कम है और लेकिन एम्बोलाई इतने ही साइज का है, तो ये इसको क्या कर देगा, ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट कर देगा। फर्दर सपोज जैसे ये हम लोगों की रिस्ट को अगर सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे अगर एम्बोलाई पहुंच गया है, तो ये क्या क्रिएट करेगा, डिसफंक्शन ऑफ दैट वन पार्ट, उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपरली मिल नहीं पाएगा, दिस वन थिंग, और ये इन्फेक्ट भी कर सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कर सकता है किसके अंदर, तब हम लोग हार्ट की बात करते हैं, हार्ट की बात अगर हो रही है तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट आर्थरोस्क्लेरोसिस, थैंक यू।